नमस्कार दोस्तों, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जैसे मेरा मूल काम तो ये है कि आपका डस्टर है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये मास्टर है, क्योंकि मेरा पढ़ाना मेरी फौजी भी रहा है। अभी मेरी लॉकडाउन के समय में भी संस्थान वगैरह बंद है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ। तो आज का मेरा वीडियो अब तौर से हमारे छोटे भाइयों को जो आर्मी में है, संकट काल में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने कुछ चीजें रखी हैं, आप जानते होंगे ये मास्क है, इस तरह से इसको जानते हैं, तो सभी की मास्क है। और एक चीज हमने ये ले रखी है, इसको पहचानते होंगे आप, हम जो बढ़िया वाहन चलाते हैं तो लगाना कंपलसरी होता है, हमारे लिए अच्छा भी करता है। एक हमने ये रखा है, ये कोरोना का एक इलाज है, ये जो मैं आपके डॉक्टर जो है वो पुलिस वाले होते हैं, उससे आपका जो है वो कोरोना का इलाज करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा मुख्य मुद्दा है ये हेलमेट दिखाते हैं, पहनते हैं आपको, ये देखिए ये हेलमेट है, ये इस तरह से इसको बांध लेते हैं। और ये आपका जो है वो मास्क है, इस तरह से आप मास्क भी लगा लें, ये ठीक है। तो ये आपका हेलमेट हो गया, ये आपका मास्क हो गया। तो आज हम अपने वीडियो में आपको कुछ अपने अंदाज से, ताकि आप लोगों, आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है, भले ही वो झूठी मुस्कान अपने आंखों में लपेटे हुए और दिख रहा है हमको, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर उसको उसको चलिए। आज हम हमारा मुख्य विषय है आज फादर जी का, ये हेलमेट और ये आपका मास्क, इन दोनों में क्या अंतर होता है चलिए हम बताते हैं। ये हेलमेट है आपका, ये जो है वो आप कहाँ पर लगाते हैं, सिर में लगाया जाता है, ये आपका जो है वो मास्क है, इसको आप जो है वो अपने नाक और मुंह बंद करने के लिए इस तरह से लगा लेते हैं। मास्क आपके अपने सिर में लगाया जाता है, हेलमेट आपके जो है वो सिर में लगाया जाता है। दूसरा अंतर हम देखें तो ये कुछ समय ही लगाने का आपको भी कोरोना होगा, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, तो सब में ये लगाना कंपलसरी है। लेकिन इस हेलमेट को आप तभी लगाएंगे जब आप कोई दो पहिया वाहन चला रहे हो, ठीक है, अंतर ये है। और अब दूसरा अंतर देखते हैं कि हेलमेट जो है वो हमारे सिर की रक्षा करता है, गन हेलमेट वगैरह का वो हमारा सिर को नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है, तो ये काम है। आपके इस मास्क का, ये मास्क है आपका, ये न केवल सिर की रक्षा करता है बल्कि हाथ पैर सर जो भी हमारा है पूरी जान की रक्षा करता है। तो एक हमारे सिर की रक्षा करता है वो हेलमेट है, जो हमारी जान की रक्षा करता है वो मास्क है, ठीक है। अब पहनने के, अगर आप नहीं पहनते हैं इसको तो क्या क्या जुर्माना है इसके लिए, तो हेलमेट पहनने के लिए जो है वो अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माना देना होता है, इसका जुर्माना सामान्यतः 500 रुपए होता है, जबकि जुर्माने तो काफी बढ़ा दिए गए, मोटरयान अधिनियम में काफी संशोधन किए गए हैं, जुर्माना काफी बढ़ा दिया गया है, लेकिन जनरली 500 रुपए में आपका
ले लिया जाता है। और इसको ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये, तो इसको अगर हम नहीं लगाते हैं तो जुर्माना हमारा, क्योंकि पूरे हमारी जान की रक्षा करता है, पूरे शरीर की रक्षा करता है, शरीर खत्म हो जाएगा तो जान चली जाएगी तो शरीर हमारा बेकार हो जाएगा, उसकी रक्षा करता है, इसमें भी जुर्माना लगता है। इसमें आपका जुर्माना जो है वो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ये जो है वो छूट दे रखी है, जितना आप अपनी स्वेच्छा से अनुसार लगाएं। हाँ, एक चीज और है, इसको ना लगाने पर ऑफर भी चल रहा है, ऑफर ही मिलता है, ऑफर के लिए हमने ये रखा ही है, आपका ऑफर है ये पुलिस वालों के पास हथियार होता ही है, तो इससे अगर कोई आपको गंभीर पुलिस वाला मिल जाएगा तो 4-6 भी लगाएगा और ज्यादा भी लगा सकता है। अगर आपने विरोध कर दिया तो फिर आपके जो है वो घूंसे वगैरह लात वगैरह भी ये चलाने के लिए उसको पावर दी गई है। तो यही मुख्य अंतर था, और सोचे क्या अंतर है इन दोनों में। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कुछ इन दोनों में अंतर बताया आपका। और एक चीज हाँ और है, कोरोना काल में जो है वो आप अगर इसको नहीं लगाए रहेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, इसको जो है स्थगित कर दिया गया कोरोना काल में, कि इसको जो है वो आप ना भी लगाए तो काम, क्योंकि कोई पुलिस वाला मिलेगा आपको तो आपका हेलमेट तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, आपने मास्क जो है वो क्यों नहीं लगा रखा है। तो इसको तो कुछ दिन के लिए अभी स्थगित कर दिया गया है, सस्पेंड है ये अभी, फिर ये कोरोना के बाद जो है वो ये बहाल हो जाएगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो ये आपको कैसा लगा, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, ये खास तौर से कुछ इसमें मैंने आज सोचा कि इस तरह विषय पर वीडियो बनाऊं, और मैंने ये संसाधन जुटाए आपके, ये बड़ी आसानी से मिल गए, घर में ही अवेलेबल थे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें मेरे यूट्यूब चैनल में, इस तरह के बहुत सारे पढ़ाई वीडियो भी आते हैं, बीच बीच में बच्चों की डिमांड पर मैं कुछ कॉमेडी करना चाहता हूं, जैसे पहले बताया मैंने कि अगर किसी की झूठी मुस्कुराहट को अगर मैं सही में कुछ थोड़ी देर के लिए असली मुस्कुराहट में बदल दूं तो मेरा ये सौभाग्य होगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को बेशक रूप से अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को मैं अभी तो वीडियो भेजता हूँ, काफी लोगों को वीडियो भेजता हूँ, लेकिन मैं हर व्यक्ति को वीडियो भेजना मेरे लिए संभव भी नहीं है। मेरे बहुत सारे से परिचित हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं जब कभी मुझे मैंने उनके व्हाट्सएप में ये वीडियो डाल दिया होता है। तो आप लोग क्या करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको जो भी वीडियो हमारे पड़ेंगे यूट्यूब में अपलोड होंगे तो आपको मिलेंगे। तो बस यही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और हाँ, अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, तो मास्क लगाइए और पूरी तरह से सुरक्षित रहिए, नहीं तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।